चैनल में स्वागत है। तो आइए आज मैं आपको जलपरी नागिन और नागमनी की कहानी सुनाती हूँ। एक राज्य था जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। उस राज्य के लोगों को उस राज्य से बाहर जाने के लिए जंगल पार करना पड़ता था, लेकिन राजमहल के पीछे वाले जंगल में कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां जो भी जाता था वापस नहीं आता था। वह जंगल भूत प्रेतों से घिरा हुआ था। सब कहते थे महाराज ने उस जंगल में जिन कैदियों को छुड़वाया था उनकी आत्माएं उस जंगल में रहती थी। एक दिन उस राज्य का राजकुमार अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। तुम्हें पता है हमारे राज्य का सबसे बड़ा सुनार उस जंगल में गायब हो गया। हमारे राज्य के लिए ये बहुत नुकसानदायक बात है। बात तो सही है, राज्य के आयात निर्यात का सबसे बड़ा काम वह सुनार ही करता था। वैसे देखा जाए तो महाराज को उन कैदियों को उस जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए था। महाराज की उस गलती का नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर राजकुमार गुस्सा हो जाता है। राजकुमार कहता है, तुम्हें पता है ना, महाराज के खिलाफ ऐसी बातें करने वालों को दंड मिलता है। बस लोग वहाँ उस जंगल में जाते होंगे और रास्ता भटक जाते होंगे, या कोई उन्हें जंगली जीव खा जाता होगा। मैं खुद उस जंगल में जाऊंगा और इन सब रहस्यों का पता लगाऊंगा। और फिर राजकुमार उस रहस्य का पता लगाने के लिए जंगल में चला जाता है। वह सोचता है कि मैं रात तक इस रहस्य का पता लगा लूंगा। राजकुमार जंगल में घूम ही रहा था कि उसे एक बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई देती है। वह आवाज एक मनमोहिनी जादूगरनी जलपरी की थी। राजकुमार उस आवाज को सुनकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। राजकुमार उस आवाज का पीछा करता है और वहां जाता है। वह आवाज एक बहुत ही सुरीली आवाज थी और किसी लड़की की आवाज थी। राजकुमार वहां जाकर देखता है। इतनी सुंदर लड़की तो रानी बनने के लायक है। और राजकुमार जब तक कुछ पता लगाता वह सम्मोहित हो जाता है और उस लड़की के पीछे झील में नीचे जाने लगता है और अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर झील में उसके पीछे चला जाता है। और जब कुछ दिनों तक राजकुमार महल में वापस नहीं आता तो राजा कुछ सैनिकों को ढूंढने के लिए जंगल में भेजता है। पूरे जंगल में तलाश करने के बावजूद राजकुमार कहीं नहीं मिलता। महाराज, हमने राजकुमार को सारी जगह देख लिया, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिला। उस जंगल में एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर? पर मैंने तो पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना। महाराज, हमें उस शिव मंदिर के बारे में पता है। वह एक प्राचीन शिव मंदिर है। उसमें इच्छाधारी नाग नागिने रहती है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जो लोग जंगल में खोते हैं उसका कारण इच्छाधारी नागिने ही होगी। परंतु महाराज, इच्छाधारी नागिने बिना वजह से किसी को कुछ नहीं कहती। इच्छाधारी हो या ना हो, नागिन तो नागिन होती है। उसकी फितरत है डसना। और राजा अपने सैनिकों को लेकर उस जंगल में जाता है। अगर तुम नागिन हो तो आत्मसमर्पण कर दो और मेरा बेटा कहाँ है ये बता दो, नहीं तो हम तुम्हें कैद कर लेंगे। मुझे लगता है तुमने ही सब लोगों को डसा है। मैं नागिन नहीं हूँ महाराज, मैं तो इस जंगल में खो गई हूँ। नागिने मेरे पीछे पड़ी है, वे किसी भी पल मुझे ढूंढ लेगी और पकड़ लेगी। मैं राजकुमार को ढूंढ रहा हूँ। मुझे पता है वह कहाँ है, नागिनों ने उसे झील में कैद कर रखा है। राजा झील में देखता है और उसे राजकुमार दिखाई देता है। सैनिकों, राजकुमार को जल्दी झील से बाहर निकालो। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नागिनों ने राजकुमार के ऊपर ऐसा जादू किया है कि वे पानी के अंदर सांस ले पा रहे हैं। अगर उन्हें कोई छुएगा तो
तो वे दम घुटकर पानी में ही मर जाएंगे। अगर आपको राजकुमार को झील से सही सलामत बाहर निकालना है तो आपको झील में नागमणि डालनी होगी। इससे राजकुमार सही सलामत बाहर वापस आ जाएंगे। अब राजा बड़े बड़े सपेरों को लेकर जंगल में जाते हैं और वे सपेरे बीन बजाकर नागिनों को अपने बस में कर लेते हैं। मुझे अपनी नागमणि दे दो, नहीं तो ये सपेरे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। और नागिनों ने अपनी नागमणि राजा को दे दी। राजा वह नागमणि लेकर झील के पास आ जाते हैं और वह नागमणि झील में डाल देते हैं। नागमणि के साथ ही वह लड़की झील में अंदर चली जाती है और जलपरी बन जाती है। राजा वह सैनिकों के देखते देखते वह लड़की राजकुमार और नागमणि को लेकर झील में अंदर चली जाती है। राजन, आपने यह क्या कर दिया? वह मोहिनी जलपरी थी, वह एक शैतानी जलपरी है। वह पानी से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने यह षड्यंत्र रचा और आपको मोरा बना लिया और नागमणि को हासिल कर लिया। आपने यह क्या कर दिया राजन? यह हमने क्या कर दिया, वह हमारा बेटा भी ले गई। तभी पानी के अंदर से एक बहुत सुंदर जलपरी बाहर आती है। क्या हुआ, आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? अरे, एक और जलपरी आ गई, इसे पकड़ो। नहीं महाराज, ये बुरी जलपरी नहीं है, ये तो जैस्मीन जलपरी है। ये तो मोहिनी से खुद ही परेशान है। ये बहुत अच्छी है जैस्मीन जलपरी। मोहिनी ने राजकुमार को कैद कर लिया है और नागमणि भी चुरा ली है। और वो नागमणि होने के बावजूद भी मोहिनी की असली ताकत उसकी आवाज है। किसी भी जलपरी की आवाज में इतनी ताकत नहीं, अगर उसकी आवाज छीन ली जाए तो मोहिनी को हराना आसान हो जाएगा, नहीं तो वह कभी नहीं पकड़ी जाएगी। परंतु हम उसकी आवाज छीनेंगे कैसे? उसका उपाय आपके पास है। जब एक नागिन 100 साल की तपस्या के बाद इच्छाधारी नागिन बनती है तो भगवान शिव उसे आशीर्वाद देते हैं, वह कुछ भी कर सकती है। भगवान शिव के वरदान से आप उसकी आवाज को छीन सकती है। पर क्या मैं अपने वरदान से उसको गायब नहीं कर सकती? नहीं नहीं, सभी जलपरियों के ऊपर झील के देवता का आशीर्वाद है, कोई भी जलपरी गायब नहीं हो सकती, लेकिन उसकी आवाज छीन सकते हैं। अब इच्छाधारी नागिन अपने वरदान से मोहिनी की आवाज छीन लेती है और जैस्मिन जलपरी पानी के अंदर जाकर मोहिनी को सम्मोहित करती है। जब मोहिनी जैस्मिन को अपनी आवाज से सम्मोहित करना चाहती है तो उसे पता चलता है उसकी आवाज चली गई है। मोहिनी जलपरी जैस्मिन जलपरी को अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैस्मिन जलपरी राजकुमार को लेकर पानी के ऊपर आ जाती है। जैस्मिन जलपरी शिवन्या नागिन को उसकी नागमणि सौंप देती है और राजा को उसका बेटा सौंप देती है। जैस्मिन जलपरी और नागिन में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।